जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, वैसे बहुत ज़बरदस्त सहाबी हैं, कभी ज़रूर इनके बारे में पढ़िएगा। वन ऑफ माई फेवरेट यंगर सहाबा बिकॉज ऑफ द कॉन्वर्सेशन ही हैड विद द प्रॉफिट ऑन अ पर्टिकुलर जर्नी। खैर अभी वो नहीं मकसद। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला खंदक के मौके पर, जब हमारे नबी दो पत्थर बांधे हुए और सब ने एक एक पत्थर बांधा, तो आप सब ने वो सीरत में कहानी सुनी होगी या नहीं सुनी कि ये अपने घर वालों से मशवरा करके कहते हैं कि नहीं, मुझसे अल्लाह के नबी की स्टेट नहीं देखी जा रही, तो मैं चाहता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत पे बुलाऊँ। तो घर में क्या है? अब ये गरीब सहाबी है, नोन टू बी पुअर, राइट? एंड घर वालों ने कहा कि बस कमज़ोर सा जानवर, तो यू नो वी कैन सैक्रीफाइस दैट, दैट्स ऑल वी हैव, एंड कुछ 6-8-10 लोगों का जो है ना खाना मिल जाएगा, तो आप इतने लोगों को बुला लें। सो ही गोज एंड ही टेल्स द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आई वांट, अब ये तमाम सहाबा तकरीबन 800 सहाबा के बाद में आता है, खंदक खोद रहे, क्या रसूलुल्लाह हम चाहते हैं कि आप और आपके चंद जो करीबी सहाबा हैं वो क्या करें, वो खाने के लिए आ जाए। अल्लाह के नबी दावत को 800 पे एक्सटेंड कर देते हैं बगैर ये बगैर पूछे। अब असल में अगर आप पूछो तो ये अदब के खिलाफ है। अगर मैं और आप ऐसे करें, राइट, हम तो इन्हीं 4 लोगों को बुलाया हो, बेगम को बता दें पांचवा आ रहा है, तो गन निकल आती है उधर, ऐसे नहीं आपने घरों में होते हैं देखा, 4 लोगों ने आंसर, 5 आ गए, कैसे खाना पूरा होगा, राइट? पीपल पैनिक ओवर दिस, एंड ये आगे इसमें ज़बरदस्त हदीस आ रही है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा माहौल है ना, वालदा नाराज़ हो जाएंगी कि इतने लोग कहाँ से आ गए, क्या होगा, कैसे कुछ करना पड़ेगा। 8 लोगों के लिए खाना हो सकता है, अल्लाह के नबी 800 सहाबा को बुला लिया। अबू जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ दिखाया जा रहा है कि रिज़्क काफ़ी करने वाली ज़ात कौन है, वो अल्लाह है। हमें दूसरों का सिखाया क्या जा रहा है, इशार क्या है कि सबकी फ़िक्र करनी है, राइट? सबकी फ़िक्र करनी है। दिस इज़ एन अमेजिंग सेंटेंस इन तबलीग, जो इनिशियली मुझे समझ नहीं आती थी, बट आई गॉट द आइडिया ऑफ इट, दोज ऑफ यू गो इन तबलीग वुड नो मोर देन आई डू, राइट? कि पूरे आलम को बदलने की फिक्र करनी। अब कोई बैठा उनको कहे कि यार आपने क्या पूरे आलम को बदलना है, समबडी कुड से दैट, आपसे तो एक लाहौर नहीं बदला जा रहा। बट एक्चुअली दिस इज व्हाट द दीन टीचर्स अस, कि हमने नीयत जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल की करनी है, बिकॉज होता अल्लाह की ज़ात से। रीज़न क्या समझा रहे हैं कि यू हैव टू वरी अबाउट एवरीबडी, सो ही कॉल्स एवरीबडी। एंड जाबिर बिन अब्दुल्ला परेशान हो रहे हैं कि कैसे खाना पूरा होगा, एंड आपसे सब उनको क्या कहते हैं कि जाबिर 10-10 के ग्रुप्स में, बस 10-10 के ग्रुप्स में तुमने लोगों को अंदर लाते जाना, और तुमने वो जो हांडी है जिसमें खाना पकाया उसको खोलना नहीं, यानी उसके ऊपर जो ढका हुआ है ना उसको चादर रखनी है और डालते जाना। एंड दे से कि मिराकुलसली एवरीबडी एट दैट टाइम, व्हिच शोज अस समथिंग that you will find this barakah even today. How will you find it? Abu Huraira رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا فرمارے, دو حدیثیں, and this should give you an understanding of what Allah is trying to say over here. The Prophet ﷺ said, the food of 2 people is sufficient for 3 people. دو لوگوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے. پھر فرمایا, اور 3 لوگوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے. مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں اس سے مختلف فرمایا, وہاں کیا فرمایا کہ ایک شخص کا کھانا 2 के लिए काफ़ी है, और 2 लोगों का खाना 4 के लिए काफ़ी है, और 4 का खाना 8 के लिए काफ़ी है, राइट? सो अजीब है, अब डोंट वरी अबाउट द फैक्ट कि मैथ्स क्यों डिफरेंट है, राइट? इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे हो सकता है ऊपर वाला मर्दों के बारे में हो, नीचे वाला औरतों के बारे में हो, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट बहरहाल असल में इट्स टू मेक अस रियलाइज कि व्हेन यू सिट टुगेदर एंड ईट देयर इज़ बरका इनसाइड ऑफ इट। सहाबा अल्लाह के नबी के पास आए, मफहूम बता रहा हूँ हदीस का, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह हम खाते हैं पर हम भूखे रह जाते हैं, यानी हमें अपनी भूख जो है ना वो मिटती महसूस नहीं होती। आसिफ ने उनको क्या बताया, अल्लाह के नबी ने सहाबा कराम से फरमाया कि तुम लोग साथ नहीं खाते हो, इफ़ यू वॉन्ट कि तुम्हारा खाना तुम्हें सफिशेंट हो मिल कर खाया करो। अब मिल के खाने में तो कम होना चाहिए खाना, क्योंकि फ्री राइडर्स भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि भाई बरकत हमने उस चीज़ में रखी। आज एक घर में हम मिलके खाना नहीं खा सकते, अचानक कोई आ जाए हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हट चुकी है, बरकत को हम भूल चुके हैं एज अ कॉन्सेप्ट, इसलिए बरकत महसूस भी नहीं होती, ना कमाई में, ना वक्त में, ना उम्र में, ना सेहत में, किसी चीज़ में बरकत महसूस नहीं होती, क्योंकि ये सब अल्लाह के अमर से होता है।